अब एक ऐसी बात करते हैं जिसको लेकर के एक राज्य इतिहास रचने जा रहा है। इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी उड़ीसा कर रहा है। कटक के बाराबाटी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का शानदार उद्घाटन हो चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो शानदार तैयारियां की हैं उसमें उड़ीसा को अगर हॉकी कैपिटल कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कि तैयारियां किस तरीके की हो रही हैं। यह है रिपोर्ट हमारे सहयोगी सुशील महापात्र की। ओडिशा का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बना यह हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बन गया है। 13 जनवरी से इस स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। लगातार दूसरी बार ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के साथ साथ भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भी हॉकी मैच खेले जाएंगे। आप प्रभु का आशीर्वाद एवं अपन मानन को समस्तों को सहयोग भलो पाइबा जोगो आज आमर स्वप्न साकार होइछि। हॉकी रो स्वर्ण क्षेत्र सुंदरगढ़ रे आज विश्व रो सबुठारु बड़ो हॉकी स्टेडियम ए माटी रो गौरव गानो करूछि। ये वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम सिर्फ 15 महीने में तैयार हुआ है। इस हॉकी स्टेडियम को बनाने के लिए हजार लोग लगातार काम करते रहे। 7600 क्विंटल स्टील का इस्तेमाल हुआ। इस हॉकी स्टेडियम में हर तरह की सुविधा है। 9 महीने के अंदर वर्ल्ड कप विलेज बनाया गया जिसमें 225 कमरे हैं। इन कमरों में खिलाड़ी और स्टाफ रहेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हाइड्रोथेरेपी की व्यवस्था के साथ साथ फिटनेस सेंटर, जिम, स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। हॉकी के प्रचार के लिए ओडिशा सरकार काफी कदम उठा रही है। ओडिशा के हर जिले में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पहुंचाया गया ताकि हॉकी के प्रति लोगों के मन में प्रेम पैदा हो। ओडिशा सरकार ने हुक स्टेप विद ओली चैलेंज भी शुरू किया है। इस चैलेंज के विजेताओं को प्राइज देने का घोषणा भी की है। ओडिशा के पर्वत आरोही सिद्धार्थ राउतराय हॉकी वर्ल्ड कप बैनर के साथ माउंट भीनसन पहुंच गए हैं। बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई जो बालू में बनी है। इस वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा सरकार ने हर राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है। ओडिशा सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वर्ल्ड कप जीतने पर हर भारतीय खिलाड़ी को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बुधवार को कटक के बाराबाटी स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई। कई जाने माने हस्ती इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बने। भारत जैसे क्रिकेट प्रधान देश में जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहीं ओडिशा सरकार ने हॉकी की बढ़ोतरी के लिए काफी सारे कदम उठाई है। एक समय था जब हॉकी को स्पॉन्सर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, लेकिन ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर की और बजट भी दी। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया।